आचार्य भगवान त्रिवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 106वें परिच्छेद में भिक्षा की व्याख्या कर रहे हैं। यह समझा रहे हैं भीख मांगना यद्यपि श्रेष्ठ नहीं है, फिर भी कर्म की तीव्र दृष्टि से कंगाली आ ही चुकी है तो आत्महत्या करने की अपेक्षा भीख मांग के जीना श्रेष्ठ है। अपेक्षाओं का ध्यान रखना, यहाँ लगा सकते हैं अपेक्षा आप सारस्वत सागर जी। भीख मांगना यद्यपि अच्छी बात नहीं बेटा, लेकिन कंगाली आ ही चुकी है और जहाँ हाथ लगा वहाँ सब नाश हो रहा होता बेटा, ऐसा अवनाश होता है ऐसा। अपन पुण्य का उदय चल रहा है, आपका लावंतर क्रम का छोषम है, सो कितनी बातें कर लो पर जिन विचारों का अशोक क्रम होता है ना, सोने में हाथ लगाते राख हो जाता है। जो लोग गल्ली की दुकान खोले थे, आड़तिया थे, अरबपति बने बैठे थे, अगला मौसम जब सीजन आया तब तक खाकपति हो गए। कितने लोग ऐसे जिन्होंने ट्रकों के व्यापार किए, चंद दिन दिखते पैसे वाले, फिर रोड पर चलाए जैसे ट्रक भी स्वयं रोड पर पहुंच जाते। बड़े बड़े कारखाने वाले, ईंट के भट्टे वाले, ये सब के भट्टे बैठते हैं। बोले क्यों, पुण्य का द्रव कम है और तुमने इतनी हिंसा का क्रम कर लिया है, वो पूरा पुण्य नष्ट हो गया, अब तो खाक होने ही है। अब चाहे बनारसी पंडित मंत्र करवाए जाए, चाहे अविनाश भैया चले जाए विधान करावे, लेकिन जब तीव्र शुभ कर्म का उदय आता है तो मालूम हुआ कुछ भी काम नहीं चलता। अंत में आपको व्यापार बदल देना चाहिए। बहुहिंसक व्यापार करोगे तो आप नियम से दरिद्री बनोगे। आजीविका के साधन अनेक हो सकते हैं, लेकिन प्रचुर हिंसा ही करना पड़े वही तुम्हारे लिए साधन बने, ऐसा नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं यदि अशुभ कर्म का तीव्र उदय आ गया और द्रव आ ही नहीं रहा है तो भैया भीख मांग के तुम जी लेना, लेकिन आत्महत्या मत करना। भीख मांग के तुम जीते रहे और परमात्मा की आराधना करते रहे तो पुनः अशुभ संकृत होकर के शुभ में बदल जाएगा और जो तुमने पाप किए हैं उसका प्रायश्चित लेके तुम जाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, भावी पर्याय तुम्हारी पवित्र होगी। इसलिए त्रिकाल्यम शब्द का ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति को जब भी सम्यक की रक्षा आप कर सकते हो तो त्रिकाल्यम पर ही आप रक्षा कर सकते हो। राकेश जी कुछ विशेष बात समझ में आ रही क्या? त्रिकाल्यम पर जिसकी आस्था नहीं है अविनाश व सम्यक की रक्षा नहीं कर सकता, और त्रिकाल्यम पर जिसकी श्रद्धा है, तीनों काल हैं और तीनों कालों में द्रव अस्थि रूप है, अस्तित्व गुण है, अपने स्वरूप में अस्थि रूप है, पर्याय प्रमण होंगे पर द्रव के अस्तित्व का विनाश नहीं होगा। जब अस्तित्व का विनाश नहीं होगा तो फिर विषय ऐसा होना चाहिए, चाहे हम भोपाल में रहें चाहे सम्मेलन कर जाएं, यदि हम अपना भोजन यहाँ कर रहे हैं वहाँ भी हमारा कौन बैठा है। आप यात्रा को जाओगे तो कुछ ना कुछ अपना बना के लेके जाते हो, अथवा आटा रख के लेके जाते हो, कोई ना कोई अपनी व्यवस्था तो बनाते ही हो। बोले क्यों, बोले भाई कहीं भी जाऊँगा भोजन तो मुझे अपने ही करना पड़ेगा ना। इसी प्रकार से इस पर्याय में तुम इतना ध्यान रखो कि अगली पर्याय में तुम्हारे द्वारा अर्जित पुण्य पापी काम में आएगा। त्रिकाल्यम, जो त्रिकाल्यम पर ध्यान नहीं रखता ना, तत्काल में निर्णय कर बैठते ना, वे बहुत गड्ढे में जाते हैं। वर्तमान के जीवन में भी जीना है तो त्रिकाल्यम का ध्यान रखो। आज हमारी ये स्थिति है, अब कल जितनी ये युवा साधु हैं इन सबको मैं इतना डांटूं ये हमारे शत्रु बन जाए, ठीक है, और शत्रु बन जाए। अब तुम विशुद्ध सागर जी युवा नहीं होगे, बूढ़े होगे, तो ये लोग क्या सोचेंगे, बोले हो बुढ़े, फिर देखता हूँ मैं आपको, अभी चलाओ मुझे चलाओ,
फिर मैं खचेड़ूंगा तुम्हारे लिए। तो त्रिकाल्यम का ध्यान रखना चाहिए भाई, त्रिकाल्यम। जितने यहाँ पिता भाई बंधु बैठे हैं वे सब ध्यान रखें इस बात का, त्रिकाल्यम का ध्यान रखें, अपनी बदलती अवस्थाओं का भी ध्यान रखें। अवस्थाएं शरीर की नहीं बदलेंगी, भावों की भी बदलती हैं। अवस्थाएं भावों की नहीं बदलेंगी, शरीर की ही मात नहीं बदलेंगी, आपके श्री की बदलेंगे। धनपतियों किसने देखा, इसलिए हर बात को विवेक के साथ। कल को शुभ दिन और बढ़ जाए तब भी संभल के जीना, वो अशुभ दिन बढ़ जाए तब भी संभल के जीना। अशुभ दिन में संभल के जीना पड़ेगा कि आज शुभ दिन के काल में ही सत में असत देखो, सत में असत देखो। जो कपड़े आज तुम्हारे सुंदर चमक के आप शरीर पे पड़े हैं, जब नहीं पड़े थे तब अपने आप को देखो, ये तुम्हें मिले हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि मिले हैं थे नहीं, ये हट जाएंगे तब भी देखना हटे हैं, जब थे ही नहीं पहले नहीं तो अब क्या का टेंशन, तो तुम सुखी रह पाओगे। सत में असत देखो, असत में सत देखो, सता सत देखो। भाव अभाव, अभाव भाव, भाबा भाव, पंचास्तिका है। ओम तो आनत्य शुद्र कृपण संत सज्जन तेषां दृशमात्म दर्दम्याति संख्याम। कितना सुंदर श्लोक है सारस्वत जी, आदाना ये क्षुद्रम कृपणम संति सज्जना। जो व्यक्ति सज्जन है और उन सज्जनों में दान देने के लिए कभी भी आदाना है नत ये क्षुद्रम कृपणा, जिनके देने में कभी कृपणता नहीं है, जिनके दान देने में कृपणता नहीं है, अपने भावों की प्रशंसा करो अविनाश कि हमने कैसे कैसे कमाया है, पर साधु की सेवा करने में हम कृपणता नहीं बरतते, अरहंत की प्रतिमा रखने में कृपणता नहीं बदलते। बेटा ये अपना भाग्य मानो कि ऐसे परिणाम हो रहे हैं, नहीं तो लोग छिपा छिपा छाती में चिपका के मर रहे हैं। भिखारियों के मरने के बाद निकलती उनकी पोटलियों में, तो मरने के बाद पोटली में कुछ ना निकल पाए इसके पहले लगा के जाना, सात परम क्षेत्रों में आदाना है। कोई होटल मत खुलवाना बेटा, कोई ढाबा मत खुलवाना, न कोई मॉल बनवाना, जिनेंद्रिय का मंदिर बनवाना। छिद्रम कृपम संति सज्जनहा, जो सज्जन दान देने में कृपण नहीं है, तेसाम दर्शनम मात्रेणा पंडित, ऐसे सज्जन के दर्शन मात से दरिद्री संतुष्ट हो जाता है, उसके सारे दुख क्षय हो जाते हैं। बोले जिसके सामने मैं आया हूं वो तो कृपण है ही नहीं है, मुस्कुरा के देता है, उसे देखने मात से दरिद्रियों के हृदय खिल जाते हैं। जैसे सम्मेश्वर में सुपारस भगवान की टोक के पहले एक आदमी में मुझे मिलता था, वो जोर से चिल्लाता आओ तो सारे बंदर इकट्ठे हो जाते थे। और शिखर जी में इधर तेरापंथी कोठी में एक पता नहीं कौन आदमी था, वो कनिष्ठर के कनिष्ठर गेहूं चने लेके आता था। हर व्यक्ति का भोग अंतराक्रम का क्षोभसम है, खाना खिलाने वाले मिलते हैं, होते नहीं हैं ऐसे लोग। अभी जंगल में बिहार कर रहा था अविनाश, तो एक आदमी तरबूज खिला रहा था, तो फिर दूसरी जगह क्या देखा, एक हैडपम्प लगा हुआ था जंगल में, एक आदमी पानी पिला रहा था सारे बंदरों को, और बड़े प्रेम से पानी पी रहे थे, ठीक है ना। अब कल्पना करो तो ऐसे आदमी को देख करके उन त्रियंचों को भी संतुष्टि मिलती है। सुब्रसा याद आपको, एक ट्रॉली आ रही थी, ट्रॉली भूसा की, दूर रोड पर वो गौशाला पुन गए थे, तो वो गौशाला की पूरी गाय इकट्ठी होकर के वहाँ आ गई जहाँ ट्रॉली आ रही थी। हम देखो सब समझते हैं, संज्ञा सबको लग रही है, यदि तुम किसी पशु पक्षी को भी चार दिन दाने खिलाओ वे तुम्हें पहचानना जानते हैं, वो मुस्कुराने लगते हैं, ठीक है। ऐसे ही
तुम साधु संतों को रोज आहार कराओ, सम्मिश्र कर जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ और तुम्हें देख तो साधु भी मुस्कुराते, भैया चलो आ गया, ये तो कम से कम आज एक खड़ा होकर आहार करा देगा। पंडित जी करोड़ों के दान दो मत दो, परंतु जहाँ बहुत सारे मुनिराज हैं और कोई आहार देने वाला नहीं है, व्यवस्थाएँ सब कुछ हैं, वहाँ खड़े होकर तुम दे के भाई आ जाओगे तब भी वे साधु मुस्कुराए, तुम्हें पुण्य लगेगा पुण्य। ऐसा नहीं कि नामधारी महाराज के पास ही खड़े होंगे, दूसरों को आवश्यकता वहाँ खड़े नहीं होंगे, बोले जहाँ विशुद्ध सागर मिले वहीं खड़े होंगे, दूसरी जगह हम जाएंगे ही नहीं, वे ज्ञानी लोग नहीं है। संक्षेप